हेलो गाइस एंड वेलकम टू सुपर इंडिया। मेरा नाम है प्रशांत एंड आज की वीडियो एकदम अद्भुत और अदम्य हीरो के ऊपर है जिसे शायद ही कोई भूल पाए। तो सोनी पिक्चर्स इंडिया ने अचानक से शक्तिमान का अनाउंसमेंट टीजर डालकर एकदम से इंडियन सुपर हीरो फैंस को एक मीठा सा सरप्राइज दे दिया। मगर क्या ये वो इंडियन सुपर हीरो मूवी हो सकती है जो बॉलीवुड या इंडियन मूवी इंडस्ट्री को बदल के रख देगी? अगर सब सही चला तो ये इंडिया की पहली मूवी होगी जो कि एक फर्स्ट अनाउंस्ड ट्रायलॉजी रहेगी एंड हम आज इसी पर डिस्कस करेंगे क्योंकि आज सुपर हीरो जॉनर उम्मीद से काफी ज्यादा आगे निकल चुका है। एंड अगर शक्तिमान की मूवी बन रही है देन क्या वो ऑडियंस पर एक जबरदस्त छाप छोड़ पाएगी? तो सीधा चलते हैं अपने वीडियो में एंड वीडियो एकदम पॉइंट वाइज है, बिल्कुल सुपर इंडिया के सिग्नेचर स्टाइल पे। पॉइंट नंबर 1, लॉजिकल ओरिजिन एंड प्रेजेंटेशन। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि आज 2022 में जहां लोगों के बीच सुपर हीरो मूवी को लेके सोच बदल चुकी है, क्या शक्तिमान मूवी उसी सोच और एक्सपेक्टेशन पर खरी उतरेगी? क्या अच्छी ओरिजिन और प्रेजेंटेशन से इंडियन ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाएगी? देन इसका जवाब शक्तिमान शो और एनिमेटेड सीरीज में छुपा हुआ है। अगर आज भी आप शक्तिमान की ओरिजिन स्टोरी देखने जाओगे तो शुरू के कुछ एपिसोड ही आपके ऊपर एक गहरा छाप छोड़ेगी कि ये शो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं था, क्योंकि सप्तऋषियों का गंगाधर को चुनना और मंत्रों और रिचुअल्स से उसका शक्तियों को प्राप्त करना एक इंडियन सुपर हीरो ओरिजिन स्टोरी के लिए परफेक्ट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमारा देश अपने वेदों, मंत्रों और रहस्यों से भरा पड़ा है। तो इंडियन सुपर हीरो का ओरिजिन भी इन्हीं कल्चर से जुड़ी हो तो क्या ही बात होगी। हमारा हीरो किसी अंतरिक्ष के प्लैनेट से अर्थ पर नहीं आ रहा और ना ही इसको किसी मकड़ी ने काटा है, बल्कि यहाँ सुपर हीरो की शक्तियाँ उसे हमारे कल्चर और उसमें छिपे गूढ़ ज्ञान से ही मिली है। ये बात शक्तिमान को खुद में डिफरेंट बनाती है और अगर मुकेश खन्ना सर इस ट्रायलॉजी के हेड हैं तो वो अच्छे से जानते हैं कि किस तरह प्रेजेंटेशन शक्तिमान को मिलनी चाहिए। इवन जब रिलायंस एनिमेशन और भीष्म इंटरनेशनल ने मिलकर जब शक्तिमान एनिमेटेड सीरीज को बनाया था तो उनकी ऋषियों, शक्तियों, गुरुकुल और किलविश की प्रेजेंटेशन को काफी बखूबी दिखाया था। अगर आपको मेरी बात अजीब लग रही है तो एक बार एनिमेटेड शक्तिमान सीरीज को यूट्यूब पर जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो एक बात साफ होती है कि ओरिजिन और शक्तिमान की प्रेजेंटेशन ऑलरेडी इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से एकदम परफेक्ट है, जो कि इसको बाकी सुपर हीरो से अलग बना देती है, क्योंकि एक सुपर हीरो मूवी में प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। और अगर शक्तिमान की ओरिजिन को अगर ढंग से दिखाया गया तो ये इंडियन सुपर हीरो ऑडियंस पर बड़ा गहरा इम्पैक्ट छोड़ेगी। पॉइंट नंबर 2, इंडियन सुपर हीरो प्रॉब्लम्स। हमारी इंडस्ट्री में जब भी कोई इंडियन सुपर हीरो मूवी बनती है तो उसके साथ एक ही दिक्कत रहती है कि या तो वो सीधा बच्चों के लिए ही बनाई जाती है या फिर वो किसी हॉलीवुड मूवी की रिप ऑफ की तरह होती है। एग्जांपल के लिए हम फ्लाइंग जेट और द्रोणा मूवी को देख सकते हैं। इनसे ज्यादा बेकार इंडियन सुपर हीरो मूवी आज तक नहीं बनी होगी यार। फ्लाइंग जेट जिसका माइथोलॉजी से कोई लेना देना ही नहीं था, कूड़े के ढेर से विलन बाहर आ रहा है, विलन क्या करना चाह रहा है, क्या इरादे हैं कुछ पता नहीं। ये मूवी खुद बच्चों को भी पसंद नहीं आई होगी, वो भी कह रहे होंगे कि इतनी बचकानी मूवी तो नहीं बनाते यार कम से कम। वहीं दूसरी ओर हम बात करें क्रिश डुओलॉजी से तो पहली क्रिश मूवी एक अच्छी डिसेंट सुपर हीरो मूवी थी, मगर क्रिश 3 के इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से सिर्फ विजुअल्स ही अच्छे थे, स्टोरी को भी हम ठीक ठाक ही कहेंगे। और उसमें म्यूटेंट्स का जो रिप ऑफ यूज किया गया था यानी मानवर, साथ ही मैग्नीटो का रिप ऑफ काल को दिखाकर तो क्रिएटिविटी का और कचड़ा कर दिया गया। वहीं अगर हम बात करें मर्द को दर्द नहीं होता, भावेश जोशी और मिन्नल मुरली मूवी की, तो वो अच्छी मूवीज हैं, एक बेहतरीन बॉलीवुड मूवी आप कह सकते हैं, मगर टू मच ग्राउंडेड लेवल पर सेट है। कोई सुपर नेचुरल थ्रेट उन मूवीज में नहीं है, मगर शक्तिमान खुद एक सुपर नेचुरल कॉस्मिक बींग है, तो शक्तिमान के एंटागोनिस्ट भी उसी लेवल पे होनी चाहिए एंड ऐसे विलन सीरीज में पहले से थे भी। इसलिए शक्तिमान मूवी से हम ये उम्मीद तो रख सकते हैं कि ये किसी हॉलीवुड मूवी का रिप ऑफ नहीं होगी और ना ही होनी चाहिए यार सच कहूं तो। माना कि शक्तिमान खुद सुपरमैन से काफी इंस्पायर्ड है, मगर ये सुपर हीरो अपना एक सुपर हीरोइक वर्ल्ड बनाने की काबिलियत रखता है, क्योंकि शक्तिमान फ्रेंचाइजी के पास किलविश, डॉक्टर जयकाल जैसे विलन्स हैं जिन्हें अगर वक्त के साथ थोड़ा मॉडिफाई करके दिखाया जाए तो ये वाकई में एक गोल सेट कर देगी। क्योंकि मार्वल और डीसी की तरह शक्तिमान के पास कैरेक्टर्स हैं, स्टोरी में पोटेंशियल भी है, बस डिपेंड करता है कि इसे एग्जीक्यूशन कैसी मिलेगी। एंड हमारा लास्ट पॉइंट है बॉलीवुड प्रॉब्लम्स एंड वे फॉरवर्ड।
तो जब भी कोई सुपर हीरो मूवी बनती है तो प्रोड्यूसर्स और स्टूडियो कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने लग जाते हैं। कभी कोई प्रोड्यूसर सिफारिश लगाकर अपने किसी जानकार एक्टर को मूवी में डाल देता है जिसे एक्टिंग का ए तक नहीं आता होता। एंड चूंकि ये एक लाइव एक्शन एडाप्टेशन है तो इन्हें किसी ऐसे एक्टर को लेनी चाहिए जो एक काम एंड योगी वाला परसोना को अटेन कर सके। वहीं इस ट्रायलॉजी की फ्यूचर की बात करें देन मुकेश खन्ना सर खुद इसकी ट्रायलॉजी के लिए काफी टाइम से कोशिश कर रहे थे एंड साल 2020 में उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक अपडेट वीडियो डाला था और आज 10 फरवरी 2022 में आई ये अनाउंसमेंट वीडियो। तो एक बात जाहिर सी है कि इस मूवी को आने में अभी बहुत टाइम है और साथ ही मुकेश खन्ना सर ये जानते हैं कि लोग अब की बार शक्तिमान के प्रेजेंटेशन का कंपैरिजन सीधा अवेंजर्स से करेंगे। वो खुद इस चैलेंज को अब एक्सेप्ट कर चुके हैं और शक्तिमान मूवी के लिए काफी कठिन प्रयास भी कर रहे हैं एंड उनका इस प्रोजेक्ट से जुड़े रहना ही एक रिलीफ है कि वो इस प्रोजेक्ट को बर्बाद तो नहीं होने देंगे। शक्तिमान की लिगेसी उन्हीं की देन है एंड वो इसे बरकरार भी जरूर रखेंगे। गाइस ये था हमारा आज का वीडियो जहां हमने आपको बताया कि प्रेजेंट के सिनेरियो में क्या ये शक्तिमान मूवी अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वर्क कर पाएगी या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके हमें ये बताएं कि क्या आप बचपन में शक्तिमान के लिए एक्साइटेड रहते थे एंड क्या वो एक्साइटमेंट आप में आज भी बची हुई है या नहीं। और ऐसे ही सुपर ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन